चाहता था उसकी आंखों पे गजल लिखना, चाहता था उसकी आंखों पे गजल लिखना, कमबख्त आई फ्लू क्या आया, उसने आंख मिलाना ही बंद कर दिया। आप सब लोगों को मेरे बैक में स्क्रीन पे आप एक बड़ी सी लाल आंख दिख रही होगी, आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप सबको पता है कि इस समय वातावरणीय कारकों के कारण, वातावरणीय कुछ चेंजमेंट के कारण एक भयंकर सी बीमारी फैल गई है जिसका नाम है आई फ्लू। आप सबको याद है कुछ समय हम लोगों ने पहले गुजारा था कोरोना के टाइम। कोरोना के टाइम एक बड़ी लाइन बड़ी प्रसिद्ध हुई थी कि यदि आपको कोरोना से बचना है तो किसी से हाथ नहीं मिलाना है। लेकिन इस बीमारी में एक और नई लाइन बन के आ गई है, यदि आपको आई फ्लू से बचना है तो आपको किसी से आंख नहीं मिलाना है। यदि आप किसी से आंख मिलाओगे ना तो उनकी आंखों का संक्रमण आपकी आंखों में आ सकता है, वो तकलीफ में रहेंगे और आपको भी तकलीफ हो सकती है। तो आइए बात करते हैं क्या है ये। तो ये जो आंख आप देख रहे हैं ना, इसमें जो लालामी है इसका कारण क्या है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्यों हो रहा है ये सब, इनके बचाव के कारण, इनके बचाव की कैसे इनका बचाव कर सकते हैं, इनका उपचार क्या है, ये क्यों होता है, सब पे चर्चा होती है। आइए आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे, प्रतीक के तौर पे मैंने कुछ देवियों की फोटो लगाई हुई है। कई सारे लोग इन फोटो को देख के उनके दिमाग में कुछ अलग ख्वाब आ गए होंगे, लेकिन बस मुझे सिर्फ और आपको भी फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इनकी आंखों पे। ये जो आंख पे आप देख रहे हो ना, इन्होंने ये ब्लैक कलर का आईलाइनर लगा के, ऐसी जो पुरानी फिल्मों में आपने हीरोइंस को देखा होगा कि वो शर्मा और काजल की ऐसी बाहर की ओर नोक निकाला करती थी, लेकिन दौर बदलते गए और इनके जो इन लोगों के, हालांकि ये जो नारी शक्ति है, इनके सजावट के नए नए प्रसाधन के नए नए उपकरण और नई नई चीजें आने लगी। तो इन्होंने देखा इन्होंने अपनी आंखों को ब्लू आईज, आपने सुना होगा ब्लू आईज, तो इनकी आंखें नीली हैं। इधर देखिए, ये आपने देखा होगा पुताई वाला ब्रश होता है, अब तो हेयर वाला ब्रश आता है, हालांकि अब तो बिल्कुल एक रोलर वाला ब्रश आता है, लेकिन किसी प्राचीन काल में आप देखें दीवारों को पोतने के लिए पुताई का ब्रश कुछ ऐसा होता था। इन्होंने क्या किया है, अपनी आंखों पे पुताई कर ली, और मजेदार बात यह है कि आंखों पे पुताई अगर करी है तो रंग से नहीं करी है, चमकने वाले क्या कहें किरकिरा या छिलकना से कर ली है। खैर, ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं, ये जो इस समय एक भयंकर सी बीमारी फैली हुई है जिसको हम आई फ्लू कहते हैं, तो आई फ्लू, अगर आपको आई फ्लू से बचना है तो आंखों की एक केयर करनी पड़ेगी, इन सब चीजों के इस्तेमाल को रोकना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, जब तक इस बीमारी से निजात नहीं मिल जाता। तो आइए चर्चा करते हैं कि इस बीमारी में क्या खास है और क्या चीजें हैं। तो मैंने, हाँ आप देखिए, मैंने यहाँ एक हेडिंग बनाई हुई है आई फ्लू, इसी को हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू क्या होता है ये, तो देखिए एक फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, आंख के ऊपर पराग्रम झिल्ली जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, इसी कंजक्टिवा से ही तो बीमारी का नाम बना है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है, या जिसको हम अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में आई फ्लू कहते हैं, इसको क्या है कि आंख के ऊपर एक पारगम झिल्ली लगी होती है जो देखने में मदद करती है और आगे आंख की केयर करती है। इस झिल्ली में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और जब इस झिल्ली में संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है तो कई सारे आंख में लक्षण आते हैं, पानी आता है आंख में खुजली होने लगती है, पल्पल सूजन, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है ना, आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों से लिक्विड सेमी लिक्विड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल निकलने लगता है, कीचड़ बोलते हैं उसको। ये सब जो चीजें हैं वो लक्षण होते हैं किसके, कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू के। आइए उन लक्षणों को मैंने अगली स्लाइड में बताने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ये बीमारी जो है होती किससे है, ये बीमारी का कारक क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा है बैक्टीरिया। आप सबको पता है बैक्टीरिया को हम जीवाणु कहते हैं, और वायरस को हम विषाणु कहते हैं। और बोध का मैंने क्यों लिखा है, तो ध्यान से सुनिए, आप जितना भी कंपटीशन एग्जाम का स्टूडेंट मुझे देखे या आम नागरिक हमें देखे, तो आम नागरिक को यहाँ बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, और कंपटीशन एग्जाम के वाले स्टूडेंट उनके लिए ये खास सूचना है कि ये जो आई फ्लू है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है। तो आप इसका सही आंसर मानेंगे, आप जब ऑप्शन फिल करेंगे, या तो आपका कौन सा हो जाएगा, बोथ जीवाणु और विषाणु दोनों से होने वाला रोग जिसका नाम है आई फ्लू। आप सबको पता ही है, इस समय आप देखिए लगभग भारत के बहुत बड़े हिस्से में बाढ़ चल रही है, और आपको ये भी पता है कि इस समय मौसम भी
बरसात का है। हालांकि बरसात का मौसम सुहाना होता है, लेकिन इस बार की बरसात में एक खास समस्या खड़ी हो गई, जिसको हम आई फ्लू कह रहे हैं। और बरसात के मौसम में आप सबको पता है कि बढ़ जाती है वायुमंडल में आर्द्रता, और जिससे बढ़ती है उमस। और उमस के कारण, ये जो उमस है ना, या ये वातावरणीय कारक हैं, ये इन बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने में मदद करते हैं। और जब ये बैक्टीरिया और वायरस ज्यादा मात्रा में होंगे तो ह्यूमन बींग में ये सीधा इफेक्ट करते हैं आंख की पारगम झिल्ली, जिसको हम कॉन्जेक्टिवा कहते हैं। मेरे हिसाब से समझ गए। तो ये बीमारी किससे होती है? जीवाणु और विषाणु से होती है। इसके साथ साथ क्या था, आइए अगली स्लाइड में मैंने यहां इस बीमारी के कुछ लक्षण लिखे हैं। लक्षण में आप देखिए, आंख का लाल होना, आंख में खुजली होना। आंख में अगर खुजली हो रही है, बार बार आप अपने हाथ धुले नहीं, और हाथों से अगर आप आंखें खुजला रहे हो, तो ये रोग का कारक बन सकता है और आपको परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। पलकों में सूजन होना, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स। इसका मतलब क्या है? पलकों में आप जब ये रोग हो जाएगा ना, तो आंखों में सूजन रहे, जिससे आंख खोलने और बंद करने में आपको तकलीफ होगी। आंखों में तरल पदार्थ निकलना, सबको पता है ना, आपने जो लोग थोड़ा पहले देखिए, तो आज के 6-7 साल 8 साल पहले आप देखते थे, कहते थे कि आंख बोलते थे, आई फ्लू तब भी बोलते थे, और जब ये जिसको ये समस्या होती थी, तो जब आप सुबह उठो तो आंखों में इतना लिक्विड और इतना कीचड़ निकलता था कि दोनों पलकें आपस में जुड़ जाती थी। पहले उसको आंखों को दोनों पानी से धुला जाता था, तब आंख खुल पाती थी। लगभग वही चीज है, ठीक है ना। बच्चों में बुखार होना, एक फैक्ट मैंने यहाँ जोड़ा है, एडल्ट लोग जो है, वयस्क लोग जो है, उनकी आंखों में समस्या होगी, आई फ्लू होगा, तो हो सकता है उनको फीवर महसूस ना हो, लेकिन यदि कोई बच्चा है और उसको आई फ्लू हो रखा है, तो फिर उसको बुखार के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। लॉजिक है उसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है सबके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और आपको मैं जानकारी दे दूं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में थोड़ा कम होती है। तो बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण आई फ्लू के दौरान बच्चों को बुखार के लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। तो ये जो लक्षण थे वो आई फ्लू। यदि इनमें से किसी, आप जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनमें से किसी को ये लक्षण अगर महसूस होते हैं, तो आप समझ लीजिए आई फ्लू है। अब आई फ्लू अगर हो गया, मान लीजिए हो गया, या इस मौसम में आई फ्लू हो रहा है, तो हम कैसे बचेंगे? कुछ बचाव के उपचार भी आगे बताए हुए हैं, तो आइए देखिए। मैंने लिखा है, उबले हुए गुनगुने पानी से आंख को साफ करना। अब देखिए, इसका एक लॉजिक है। आप सीधा है, आपके पास कॉटन होना चाहिए, कॉटन बोले तो जिसको आप रुई कहते हो, साफ रुई होनी चाहिए, ठीक है ना। आप पानी लेंगे, पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करके फिर पानी को ठंडा करेंगे, खासतौर से देख लेंगे, गर्म पानी को हम छान भी सकते हैं, जिससे उसके अंदर कोई भी कड़ वगैरह ना हो। तो गर्म पानी लिया, उसको ठंडा किया, छान के ठंडा किया, और पानी को ठंडा ज्यादा नहीं करते हैं, मैंने यहाँ लिखा है गुनगुना, तो पानी में थोड़ा टेम्परेचर रहना चाहिए। फिर रुई के टुकड़ों को आप पानी में डुबोइए, अपनी आंखों को खोलिए, और आंख की जो सरफेस है ना, जो पुतली वाली सरफेस, व्हाइट और ब्लैक वाली सरफेस, उसको धीरे से एक बार रुई का टुकड़ा उस भीगे हुए पानी में लेके आप उसको धीरे से रगड़िए, एक बार ऐसे बढ़ाइए और रुई के टुकड़ा फेंक दिए। एक आंख को लगभग 4-5 रुई के टुकड़ों से पानी में भिगो के आपको साफ करना है, और ये रेगुलर वे में करना है, आपका फ्लू ठीक हो जाएगा। जिनको अगर ये नहीं है, तो कम से कम दिन में एक बार शाम या सुबह अपनी आंखों को ऐसे करके साफ कर सकते हैं, जिससे आपको फ्लू होने का खतरा नाम मात्र का रह जाएगा, बिल्कुल। और आप खास तौर से ध्यान रखना, कॉटन का इस्तेमाल, साफ कॉटन का इस्तेमाल आप गुनगुने पानी के साथ ही करें, सूखी रुई से आप इसमें कोई सूखी रुई का प्रयोग ना करें, परेशानी और बढ़ सकती है। दूसरा का है, आंख पर हाथ नहीं लगाना। सबको पता है आई फ्लू हुआ है तो आंखों में खुजली होगी, आंखों में खुजली होगी तो हर इंसान हाथ से आंख को साफ करने लगता है, वो आपको नहीं करना। और खास तौर से आंख और हाथ, ध्यान से सुनिए, आई फ्लू में आंख और हाथ दोनों को साफ रखना है। बाई चांस आप अक्सर होता है ना, देखिए कोरोना के टाइम आप देखिए हाथ को नाक और मुंह में नहीं लगाना था, अब आई फ्लू के दौरान आपको हाथ को आंख में नहीं लगाना है। तीसरा, गॉगल्स या चश्मा का प्रयोग करना है, ठीक है ना, गॉगल्स या चश्मा का प्रयोग करना है, सबको पता है। और खास तौर से एक चीज आप याद रखना, वो भी आपको चश्मा प्रयोग करना है, वो खास तौर से ब्लैक कलर का चश्मा प्रयोग। ब्लैक कलर का चश्मा क्यों प्रेफर किया जाता है, उसका एक लॉजिक है। जो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट होती है, उससे आंखों का बचाव होता है, आंखों पर प्रेशर कम पड़ता है और आंख स्वस्थ रहती है। तो गॉगल्स का प्रयोग करेंगे, और खास तौर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी से आंख नहीं मिलाना है। ये दौर है जिसमें आंख नहीं मिलानी है, वक्त गुजर जाए आंख मिलाना कोई दिक्कत नहीं। अभी आई फ्लू के खतरे को कम करने के लिए
आपको आंख नहीं मिलाना है। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।